वेलकम गाइस, तो आपको फिर से स्वागत है रियल किंग ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज से न्यू T10 सीरीज चालू हो रहा है, ECI स्वीडन T10। उसका आज फर्स्ट मैच है कौन कौन से टीम के बीच में भाई, स्वीडन वर्सेस इस्टोनिया के बीच में जो आज फर्स्ट मैच होने वाला है उस मैच के बारे में बताऊंगा। और ये जो सीरीज चालू है इसमें टोटल 3 टीमों के बीच में मैच होने वाला है। तो ये जो पहला 2 टीम होगा इस टीम की तरफ से एक दो प्लेयर ऐसा आपको दिख जाएगा जो लास्ट जो सीरीज हुआ था T10 का उस सीरीज में उन्होंने खेला था, ठीक है। और बाकी जितने भी प्लेयर है वो उसका पास्ट रिकॉर्ड में आपको दिखाऊंगा कि कौन इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन कैप्टन मैच होने वाला है सिंगल लीग के लिए, ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन मैच का अच्छा ऑप्शन कौन होने वाला है, एंड सेफ ऑप्शन एंड ट्रम्प पिक बताऊंगा। भाई ट्रम्प पिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको भी पता है, ठीक है। और आपको भी पता है भाई T10 में हमारा नॉलेज कितना अच्छा है, जो हमारा टीम से खेलते हैं लगभग 70-80% हम विनिंग करते हैं T10 में। तो वही नॉलेज मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसे मैं टीम बनाता हूँ, कैसे मैं विनिंग करता हूँ, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। पूरा वीडियो को देखना, एंड इस वीडियो में भी भाई 500 डेज का गिव अवे है, 500 डेज का गिव अवे है। क्या करना होगा वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो भी अभी तक हमारे टेलीग्राम से जुड़े नहीं हो भाई बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आफ्टर लाइनअप जो भी अपडेट आता है वो हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करते हैं, फाइनल टीम वगैरह जो भी होता है सब कुछ टेलीग्राम में ही प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। एंड टेलीग्राम में अभी भाई 10 में से 7-8 मैच हम इजीली विनिंग करते हैं, 10 में से 7-8 मैच हम इजीली विनिंग करते हैं, लगभग 70-80% विनिंग रेशियो हमारा टेलीग्राम का है। तो आप भी अगर अपना जिंदगी का सारा लॉस कवर करना चाहते हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन करो, ठीक है। चलिए वेन्यू रहने वाला है मास्टर क्रिकेट ग्राउंड, जो कि लास्ट सीरीज हुआ था उस पर खेला जाएगा। एवरेज स्कोर यहाँ पे 90-100 तक होने वाला है। पिच रिपोर्ट पे पिच जो मैट वाला पिच होता है ना वही पे खेला जाएगा, तो ज्यादा बिहेवियर तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन शुरुआत में एक दो बार में पेसर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्विंग मिलेगा। वेदर रिपोर्ट भाई क्लियर रहेगा। अभी जो स्वीडन की तरफ से प्लेयर है ना उनके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें से बहुत सारे ऐसे प्लेयर आपको दिख जाएगा जिनका सिलेक्शन अभी ड्रीम इलेवन या फिर अदर्स एप्लीकेशन पे बहुत ही लेस है, लेकिन भाई वो बहुत अच्छा प्लेयर है। अगर वो अपने रिकॉर्ड के अनुसार खेलेगा आपको एक तरफा मैच विनिंग करवा सकता है। वो प्लेयर कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आई जूजा जो कि लास्ट सीरीज खेला था उस पर इसने भाई 1-12-2-45-41 अच्छा खासा बैटिंग कर लेता विकेट के सेक्शन में। शेर अली भाई एक तगड़ा ऑलराउंडर है, एज अ कैप्टन वाइस का भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लास्ट जो सीरीज हुआ था उस पर 1 विकेट 12+1 विकेट 108+1 विकेट 11+1 विकेट 10+1 विकेट, तो बैटिंग में दोनों करके देखा, ऊपर बैटिंग के साथ साथ कन्फर्म 2 ओवर बॉलिंग करके देखा। टीम का मेन बॉलर है तो एज अ कैप्टन वाइस इसको जरूर देकर चलना अगर खेलेगा। सुदेश खान 37-36-7 0+0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ये भी बैटिंग में दोनों कर लेता है। एशियन T10 में इसका रिकॉर्ड देखिए 8 मैच में 217 रन, बहुत ही तगड़ा बैट्समैन है। अगर इसको मौका मिलेगा ऊपर बैटिंग करने का तो बहुत ही अच्छा आपको पारी खेल के दे सकता है, तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर खेलता है तो जरूर लेकर चलना। अबुजर ने T20 में 2 मैच में 2 रन किया है। T10 में इसका रिकॉर्ड देखिए 11 मैच में 266 रन, 1 ओवर बॉलिंग करके 0 विकेट इसके नाम है। रिसेंट फॉर्म भी देखिए 445-16-02 रन इसका, तो भाई बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा इसका नहीं जा रहा, एक मैच को छोड़कर उतना अच्छा इसका रिसेंट फॉर्म अभी तक नहीं गया लास्ट 5 मैच में। लेकिन ये भी प्लेयर बहुत अच्छा है, तगड़ा हिटिंग कर सकता है, आप चाहो तो लेके जा सकते हो, अदरवाइज ग्रैंड लीग में तो जरूर ट्राई कर लेना। साइद अहमद ने क्या किया है T20I में 5 मैच में 45 रन 11 ओवर डालकर 4 विकेट T20I में इसका रिकॉर्ड है। एंड T10 में 28 मैच में 499 रन 39 ओवर डालकर 12 विकेट इसके नाम है। रिसेंट फॉर्म भी आप देख सकते हो 16+1 विकेट 23+0 विकेट 73 42+1 विकेट 1 विकेट, भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है, बहुत ही तगड़ा हिटिंग कर सकता है, जरूर लेकर चलना, इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, एज अ कैप्टन वाइज भी देखे जा सकते हैं इसको। समीउल्ला रहमानी 5 मैच में 70 रन 3 ओवर बॉलिंग करके 0 विकेट, ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए 38 मैच 449 रन 33 ओवर बॉलिंग करके 92 विकेट, T10 में इसका रिकॉर्ड है। रिसेंट फॉर्म देखिए 1 विकेट 25+1 विकेट 20 रन 0 विकेट 0 विकेट, ये भी ना लास्ट सीरीज खेला था एंड ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों किया था, इसको लगभग 3 या 4 नंबर पर बैटिंग मिल रहा था एंड बॉलिंग भी 1 या 2 ओवर कर रहा था, तो इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर खेलेगा तो। फिर यहाँ से जावी जाहिद
जब भी जाहिद का रिकॉर्ड देखिए 33 मैच में 349 रन T10 में 52 ओवर डालकर 23 विकेट इसके नाम है, बहुत ही तगड़ा बैट्समैन है भाई। T20I में भी एक ही मैच खेला है जिसमें 4 ओवर इसको बॉलिंग मिला था, आप समझ सकते हो कितना अच्छा बॉलर है। कन्फर्म 2 ओवर बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में आपको ऊपर करके देगा, एज अ कैप्टन वाइज के भी अच्छा ऑप्शन है। रिसेंट फॉर्म भी देखिए तो 0 विकेट 0 विकेट 19+1 विकेट 25+0 विकेट 0+0 विकेट, तो आप देख सकते हो बैटिंग मैन दोनों किया हर मैच में लगभग। फिर ऐसे एस चौधरी का रिकॉर्ड देखा जाए T20I में 5 मैच में 22 रन 18 ओवर डाल के 10 विकेट इसके नाम है भाई T20I में, बहुत ही तगड़ा बॉलर है भाई। इसका T10 का रिकॉर्ड देखिए 27 मैच में 46 ओवर बॉलिंग करके 30 विकेट इसके नाम है भाई, 265 रन भी किया है, कन्फर्म 2 ओवर बॉलर है ये, ठीक है, खेलता है तो कन्फर्म 2 ओवर बॉलिंग करेगा, डेथ में भी 1 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं, तो जरूर लेके चलना। एज अ कैप्टन वाइज भी देखा जा सकता है, वो विकेट टेकर बॉलर है और बैटिंग भी कर लेता है, मिडिल ऑर्डर बैटिंग प्लस विकेट भी लेता ही है, ठीक है, तो एज अ कैप्टन वाइज भी जरूर देखे चलना। रिसेंट फॉर्म देखिए 11+1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 11+4 विकेट 0+0 विकेट, तो आप देख सकते हो एक मैच को छोड़कर हर मैच में इसको लगभग विकेट मिला, ठीक है। खालिद जाहिद 16 मैच में 136 रन 54 ओवर बॉलिंग करके 12 विकेट T20 में इसका रिकॉर्ड, 22 ओवर बॉलिंग 22 मैच में 287 रन 36 ओवर बॉलिंग करके 13 विकेट इसके नाम है, तो ये भी भाई बॉलिंग कर सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिसेंट फॉर्म भी देखिए 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 13+0 विकेट, तो ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है, बैटिंग काफी नीचे करने आता है लेकिन बॉलिंग एक या दो ओवर कंफर्म करेगा। प्रशांत शुक्ला 4 मैच में 11 ओवर बॉलिंग करते 6 विकेट T20 में इसका, TTN में भाई 17 मैच में 32 ओवर बॉलिंग करके 18 विकेट इसके नाम है, ये भी बॉलिंग करता है कंफर्म 2 ओवर। भाई देखो टोटल 18 प्लेयर के बारे में आपको बताऊंगा, उसमें से 11 प्लेयर आपको दिख जाएगा, तो हो सकता है इन 3 प्लेयर में से कोई भी 2 खेले या फिर कोई भी 1 खेले, तो आप जरूर उसको लेके जाना क्योंकि इम्पॉर्टेंट होने वाला है, कन्फर्म 2 ओवर बॉलिंग करने वाला बॉलर है, ठीक है। फिर यहाँ से नासिर बलूच 17 मैच में 344 रन 33 ओवर बॉलिंग करके 16 विकेट इसके नाम है, एज अ कैप्टन का भाई बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है नासिर बलूच, खेलता है तो जरूर इसको कैप्टन देकर चलना। ओपनिंग बैट्स बैटिंग के साथ साथ कन्फर्म 2 ओवर बॉलिंग करके देगा, विकेट टेकर बॉलर भी है। रिसेंट फॉर्म भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, 0 विकेट 23 प्लस 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 8+2 विकेट, तो हर मैच में लगभग 1 या 2 विकेट के साथ साथ बैटिंग में आपको करके देगा। जाकिर तकवाई 14 मैच में 48 ओवर बॉलिंग करके 28 विकेट इसके नाम है भाई T20I में, T10 में देखिए 14 मैच में 12 ओवर बॉलिंग करके 11 विकेट इसके नाम है, लेकिन रिसेंट फॉर्म देखिए 4 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 11+0 विकेट 6+1 विकेट। भाई T10 में ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसको तो उतना बॉलर बॉलिंग मिला नहीं है, लगभग हर मैच में 1 या 2 ओवर मिला है, लेकिन अगर रिसेंट फॉर्म आपको दिखाओ तो भाई लगभग हर मैच में इसको बॉलिंग मिला है, तो अगर बॉलिंग का ऑप्शन कम रहेगा तो इसको कन्फर्म 2 ओवर बॉलिंग मिलेगा, अदरवाइज 1 ओवर बॉलिंग मिल सकता है, तो आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना, एंड यदि अगर बॉलिंग का ऑप्शन कम रहेगा फिर सिंगल लीग में भी ट्राई कर लेना, ठीक है। नजर मोहम्मद भाई 5 मैच में 72 रन 9 ओवर बॉलिंग करके 7 विकेट इसके नाम है, कन्फर्म 2 ओवर बॉलिंग करने वाला बॉलर है, विकेट टेकर ये भी है, ठीक है, ये भी खेलता है तो इंपोर्ट होने वाला, तो इस टीम की तरफ से भाई बहुत सारे इंपोर्टेंट प्लेयर आपको दिख जाएगा, इसमें से जो भी 11 खेलते हैं उसमें से 6-7 प्लेयर आप लेके जाना। अभी जो इस्टोनिया की तरफ से भाई प्लेयर है ना, जिसमें से कैप्टन भाई आपको किसको देना है, सिंगल लीग के लिए ट्रंप पिक कौन होने वाला है वो मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जिनका सिलेक्शन कम है लेकिन इंपोर्ट होने वाला, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। बिलाल मासूद 19 मैच में 272 रन 20 ओवर बॉलिंग करके 10 विकेट इसके नाम है, ये भी बैटिंग मैन दोनों करता है, हालांकि लास्ट जो सीरीज में खेला था उस पर बस एक ही मैच में इसको बॉलिंग का मौका मिला था, अदरवाइज 4 मैच में इसको बॉलिंग का मिला मौका नहीं मिला है, लेकिन प्लेयर काफी अच्छा है, अगर ऊपर बैटिंग करने आएगा फिर इंपॉर्टेंट होगा। इस हुक 4 मैच में भाई 224 रन है T10 में भाई, 60+ इसका एवरेज है T10 में, तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा बैट्समैन, ओपनिंग करता है, रिसेंट फॉर्म भी देखिए 25 नॉट 69 17 23, भाई बहुत ही तगड़ा हिटर बैट्समैन है, एज अ कैप्टन मैच भी देखे जा सकते हो अगर खेलते हैं तो। साफी उर रहमान 18 मैच में 458 रन 1 विकेट इसके नाम है, तगड़ा ये भी बैट्समैन है, ठीक है, दोनों ही टीम की तरफ से भाई बहुत सारे तगड़ा बैट्समैन आपको दिख जाएगा। इसका रिसेंट फॉर्म 34 27 13+0 विकेट 50 रन इसने किया, ये भी अच्छा खासा बैटिंग कर लेता है, जरूर लेकर चलना। अरसलान गुंडल 7 मैच में 230 रन 13 रन प्लस 1 ओवर बॉलिंग करके 0 विकेट इसके नाम है,
92, 27, 35 भाई ये जो ऊपर वाले तीन बैट्समैन मैंने आपको बताया ना, तीन चार बैट्समैन, चारों ही भाई बहुत ही तगड़ा हिटर बैट्समैन है। तो इनके ओपोनेंट की तरफ से भाई जो शुरुआत में बॉलिंग करने आएगा, प्लेइंग 11 में जो होने वाला है उनकी तरफ से जो शुरुआत में बॉलिंग करने आएगा उसको ड्रॉप करके आप जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनके तरफ से जो ओपनर वाला बैट्समैन है वो बहुत ही तगड़ा बैट्समैन है। ऋषभ खान 7 मैच में 102 रन, नीचे आता उतना इंपॉर्टेंट मुझे दिखा नहीं है। के बिश्नपू 4 मैच में 6 ओवर बॉलिंग करके 4 विकेट, इसके नाम है, ये भी एक या दो ओवर करता है भाई, दो ओवर मतलब एक ओवर तो कंफर्म मिलेगा, लेकिन अगर एक ओवर फर्स्ट ओवर में इसको रन ज्यादा ना आए तो दो ओवर भी ये कर सकता है, ये भी विकेट टेकर बॉलर है तो इंपोर्टेंट होने वाला है। अली मसूद 4 मैच में 105 रन, 6 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट, इसके नाम है, तो ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, ऊपर बैटिंग कर लेता है तो जरूर लेकर चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला अली मसूद, ठीक है। डेविड रॉबसन 4 मैच में 51 रन प्लस 6 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट, इसके नाम है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग साथ साथ बॉलिंग भी ये करके देगा, तो ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं इसको। रामकिशन एशियन टी20 में 4 मैच में 4 ओवर बॉलिंग किया, 0 विकेट, इसके नाम है। जिशन अली 4 मैच 71 रन प्लस 5 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट, इसके नाम है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, रिसेंट फॉर्म भी देखिए, 2 रन 25 प्लस 2 विकेट, 7 प्लस 0 विकेट, 37 प्लस 1 विकेट, भाई ये भी ना बहुत तगड़ा हिटिंग करता है, 4 या 5 नंबर पर बैटिंग करने आता है, साथ ही साथ बॉलिंग भी कन्फर्म 2 ओवर करके देगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। जिशन अली रिचर्ड पर्किन इसका क्लब कंट का रिकॉर्ड देखिए, 52 मैच है 320 रन पर 64 विकेट, इसके नाम है, इसको आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। साहिल चौहान 28 मैच में 792 रन पर 17 विकेट, इसके नाम है, इसको भी ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। भाई देखो इनके तरफ से 4-5 प्लेयर ऐसा आपको दिख जाएगा जो अभी तक T10 या फिर T20 मैच एक भी खेला नहीं है, जो क्लब कंट्री का मैसेज होता है उस पर इन्होंने खेला है, तो उन जो उनकी तरफ से जो भी प्लेयर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर वो कोई भी अगर खेलता है तो ग्रैंड लीग में आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। मनीष गुप्ता 21 मैच है 446 रन प्लस 7 विकेट, इसके नाम है, और शायद उद्दीन 14 मैच में 16 विकेट, इसके नाम है, क्लब कंट्री के मैच में, तो इन चार प्लेयर को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना अगर खेलते हैं। तो अभी देख लेते हैं भाई कैप्टन मैच का अच्छा ऑप्शन कौन होने वाला, शेर अली, सुदेश खान, नसीर बलूच, एस ब्रूक हुक, भाई बहुत ही तगड़ा हिटर है, अगर खेलते हैं तो एक तरफ आपको करवा सकता है, अरसलान गोंदल, जिशन अली, इन सबको आपको भाई कैप्टन मैच देकर जाना, सिंगल लीग ग्रैंड लीग बोथ में, ठीक है। तो गाइस मैच रिलेटेड सब कुछ लगभग बता दिया है कि कौन इंपॉर्टेंट होने वाला है, किसको कैप्टन मैच देकर जाना है, किसको एज अ ट्रम्प पिक लेके जाना है, सब कुछ लगभग बता दिया है। अभी मैं आपको डेमो टीम के बारे में दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं, गिव वे विन करने के लिए आपको क्या करना होगा, गिव वे विन करने के लिए आपको आज बताना है शेर अली अगर खेलता है तो आज कितने बॉल पर कितना बनाने वाला है, ठीक है, वो आपको बताना है कमेंट पे। तो जिसका भी आंसर सही आएगा उसको मैं देने वाला हूँ 500 रुपीज़ का गिफ्ट, एंड मैच शुरू होने से पहले आपको बताना है, ठीक है। और मेरा जो डेमो टीम है उसमें मैंने किस किस को रखा है, आई जीजक बहुत ही अच्छा बैट्समैन, ए गुंडल, ए सुरहमन, ए सामद, एस खान, बालूच, मसूद, एस चौधरी, ए मसूद, जेट तकवाई, एस अली को रखा है। तो ये मेरा अभी के लिए टीम है, ये मेरा फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको मिलेगा कहाँ पे, टेलीग्राम में आपका लाइन, टेलीग्राम का लिंक आपको एटीएफ डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में पिन करा मिलेगा, एंड गिवअवे का अपडेट भी मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करने वाला, तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको एटीएफ डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन करा हो, ठीक है। तो चलिएगा इस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।